शीश क्या लगता है, नीदरलैंड में खर्चा ज्यादा होता है ग्रोसरी का या जर्मनी में होगा? आज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये वीडियो बनाने में, तो लेट्स फाइंड आउट। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम हैं जर्मनी में और सोचा आपको यहाँ की ग्रोसरी शॉपिंग करके दिखाते हैं। तो वहीं पे है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। गाइस मुझे सबसे पहले ग्रेप्स सीखे हैं एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ। ये है 1.5 केजी और द कॉस्ट इज जस्ट 2 यूरोस व्हिच इज 1.99 यूरोस। और यही मैं कंपेयर करूँ नीदरलैंड्स में तो हमें जस्ट 500 ग्राम्स मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली 2 यूरोस में, तो जो कि काफी बड़ा डिफरेंस है। एंड ग्रेप्स की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, वो नीदरलैंड में भी अच्छी होती है, बट पैकिंग इतनी बड़ी आपको नीदरलैंड में नहीं मिलेगी, वहाँ लोग प्रेफर करते हैं छोटी पैकिंग्स लेना। सो अभी हमें नेक्स्ट दिखा है मैंगो, एंड यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो मैंगो एक पीस है 3 यूरोस का, एंड सेम मैंगो सेम क्वालिटी का मैंगो हमें वहाँ पे मिलता है अबाउट 2 यूरोस का। तो मैंगो यहाँ पे काफी एक्सपेंसिव है वहाँ से, वहाँ का मैंगो काफी अच्छा होता है, बट आई डोंट नो इसकी क्वालिटी क्या होगी, बट वी आर टेकिंग वन टू सी कि इसका टेस्ट कैसा होगा। सो गाइस मैं आपको बनाना का प्राइस बताऊं, सो वो है 1 केजी का 1 यूरो 99 सेंट्स। अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूं तो एक बनाना है ऑलमोस्ट 30 रुपीज का एक पीस। तो गाइस बनाना से थोड़ी सी आगे आके हमें मिला अनार, और ये अनार जो है यहाँ पे केजी की फॉर्म में नहीं मिलता, ये मोस्टली आपको स्टक के हिसाब में मिलता है। तो एक पीस जो है यहाँ पे है 2 यूरोस का। और मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ूँ तो कीवी भी यहाँ पे अगेन स्टक के पॉइंट प्राइस से मिलती है, तो एक जो है कीवी वो है 79 सेंट्स की। बहुत हैवी है। So guys, मैं आपको बता दूं इतना बड़ा वाटरमेलन मैंने इंडिया के बाद पहली बार यूरोप में देखा है, तो जर्मनी में इतना बड़ा मिलता है और इसकी कॉस्ट भी 4 यूरोस है, which I say is quite less। गाइज अब भागे हम टोमेटो देखने, और टोमेटो का प्राइस जो है वो 1 केजी का है 2 यूरोस 49 सेंट्स, विच मैं बोलूंगी ऑलमोस्ट सेम टू व्हाट वी गेट इन नीदरलैंड सुपरमार्केट। सो अभी के लिए मैं सिर्फ चेकआउट करने के लिए देख रही थी, तो आगे बढ़ते हैं और चीजें भी दिखाते हैं आपको। आ गया कैप्सिकम, तो यहाँ पे तीन पीसेस की पैकिंग आती है, दिस इज अबाउट 1.59 यूरोस। तो नीदरलैंड से ये सस्ती है अबाउट 20%, क्योंकि वहाँ पे सेम पैकिंग सेम साइज की कैप्सिकम होती है अबाउट, दैट वी नीड टू पे 199। तो आप देख सकते हैं कि 3 पीसेस कैप्सिकम यहाँ पे है इन टर्म्स ऑफ रुपीज अबाउट 130-140 इंडियन रुपीज। सो गाइज उसके बाद हमें दिखे हैं नींबू, एंड यहाँ पे नींबू की कॉस्ट है 49 सेंट्स, जहाँ सुपर मार्केट में वहाँ पे लेते हैं तो उसकी कॉस्ट होती है अबाउट 69 सेंट्स। तो यहाँ पे काफ़ी सस्ता है, बट वहाँ की सब्जी मंडी में हमने आपको वीडियो में दिखाया था नींबू काफी सस्ते हैं, सो उसके कंपैरिजन में हम महंगे हैं। सो गाइस ग्रोसरी शॉपिंग तब तक पूरी नहीं होती जब तक आलू प्याज का भाव ना बताएं, तो प्याज जो है वो यहाँ पे काफी सस्ता है। अगर अगेन हम कंपैरिजन करें तो 0.89 सेंट्स का आपको 1 केजी मिल रहा है। एंड गाइस अगर मैं आलू के भाव की बात करूँ तो आलू है 1.5 यूरोस का, विच इज अगेन आई विल से ऑन द लोअर साइड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बाद अभी बात होगी कुछ पैक्ड फूड आइटम्स की। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया जो भी पैक्ड फूड आइटम्स हैं ये डेफिनेटली काफ़ी सस्ती हैं वहाँ से। सो इन टर्म्स ऑफ आपको कोई भी स्नैक्स चाहिए, चिप्स चाहिए, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स चाहिए, जूसेस चाहिए, ये डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सस्ती हैं। सो एज यू नो अभी हमने काफ़ी आगे जाना है, काफ़ी जगह दिखानी है, खुद भी देखनी है, आपको भी दिखानी है, सो वी आर थिंकिंग टू बाय सम स्टफ फ्रॉम दिस सुपर मार्केट। एनी फिंगर से हाय टू मम्मा। हाय एनी। प्राइस मैं बता दूँ यहाँ की सुपर मार्केट में आपको ये ऊन भी मिल जाएगी, क्योंकि दादी मम्मी मेरी मम्मी ने भी बहुत बनाई है एक्चुअली ये स्वेटर्स हमारे लिए खुद बुन के। तो अगर आपका ऐसा कुछ मन है ना यूरोप में करने का तो भी आपको मिल जाएंगी। एक्चुअली ये आपको सब जगह मिल जाती है यूरोप में, क्योंकि हमने ये नीदरलैंड्स में भी बहुत ईजिली आपको एक्सेसिबल है ये, तो आप डेफिनेटली अपने बच्चों को यूरोप में भी ये सब बना के बना सकते हो, बट आपको आना चाहिए उसके लिए।
सो गाइस मुझे हैंड टॉवल्स और फेस टॉवल्स मिले हैं जो कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ट्रैवलिंग में स्पेशली, तो ये और ये मुझे काफ़ी सस्ते लगे नेदरलैंड से, तो मैंने ये पूरा पैक ले लिया है और अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस मुझे मिल चुकी है स्टील डील एंड आई एम सो हैप्पी आई कांट इवन टेल यू। हम अनेका हर मंथ सेलिब्रेट करते हैं, तो जब ये कैंडल्स मैं नीदरलैंड में लेती हूँ ना तो बड़ी ऐसी प्रिविलेज वाली फीलिंग आती है जैसे बड़ा ही एक्सपेंसिव कुछ करने वाले हैं, तो ये बहुत एक्सपेंसिव मिलती है वहाँ पे। मतलब मैंने 5 यूरोस भी पे किए एक कैंडल के लिए और यहाँ पे एक कैंडल है 99 सेंट्स की, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट, सो आई एम टेकिंग फॉर एटलीस्ट अप टू 6 मंथ। तो गाइज मुझे जर्मनी की सुपरमार्केट में मिल चुके हैं सोप, और आप सोचेंगे मैं सोप लेके इतना खुश क्यों हूँ, क्योंकि नीदरलैंड में इतना इजी एक्सेसिबल नहीं होता क्योंकि वहाँ पे लोग मैक्सिमम शावर जेल यूज़ करते हैं और यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स के ऑप्शंस भी हैं सोप के लिए। सो गाइज हमारा रोड ट्रिप काफ़ी एक्सटेंडेड चल रहा है और हमने काफ़ी एडिशंस कर लिए हैं जब हम चले हैं उसके बाद घर में, तो डायपर्स डेफिनेटली हमारी नीड बन चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं अगर आप भी रोड ट्रिप में हैं तो आप सुपरमार्केट से बच्चों के लिए अपने डायपर्स भी ले सकते हैं, अगर आपका भी स्टॉक खत्म हो गया है तो आपको काफ़ी सस्ते मिलेंगे इन कंपैरिजन टू अगर आप कहीं स्पेसिफिक शॉप से लेते हो। बीइंग इंडियन हमें स्पाइसेस कितनी पसंद है वो तो आप सबको पता ही है, तो यहाँ पे जो मुझे एक चीज़ लगी, आप किसी भी सुपरमार्केट में जाओगे तो आपको स्पाइसेस के भी डेफिनेटली काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे भी टाइम स्पेंड कर सकते हो बस पढ़ने में और समझने में कि कौन सी स्पाइस कौन सी है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट अदरवाइज विल गेट इट। तो सुपरमार्केट में आए हैं तो हमने क्या किया, बच्चों के भी ड्रिंक्स लेने हैं, अनायरा के लिए मिल्क और सम चॉकलेट फ्लेवर मिल्क जो मोस्टली मैं ही पीने वाली हूँ, अनायरा को बहुत कम पसंद है और फिर भी मैं ट्राई करती रहती हूँ ताकि उसका थोड़ा टेस्ट डेवलप हो। सो लेट्स सी, और अन्य तो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो उसको तो अभी कुछ नहीं चाहिए। अभी हम डेयरी सेक्शन में घूम रहे थे तो हमने सोचा आपके साथ कुछ शेयर करें, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है ना स्पेशली मिल्क चीज वो सब चीज़ें ना नीदरलैंड में बहुत प्लेंटी में मिलती है और काफ़ी हेल्दी ऑप्शंस होते हैं जो मुझे यहाँ पे कंपैरेटिवली कम लगा, और यही मैंने फ्रांस में भी ऑब्जर्व किया था, तो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए कि नीदरलैंड की डेयरी प्रोडक्ट्स आर रियली द बेस्ट वंस। सो गाइज डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन अगर आप ऐसा सोचते हो कि जर्मनी और फ्रांस में बेटर है डेयरी प्रोडक्ट्स, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नीदरलैंड्स के हैं बट आप क्या सोचते हो आप भी बताना कमेंट सेक्शन में। पेंटा पेप्सी कोक इनका प्राइस जो है वो एक्चुअली नीदरलैंड के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, इवन अगर मैं सुपरमार्केट का प्राइस भी कंपेयर कर रही हूँ, नीदरलैंड में हमें मिलती है अप्रॉक्सीमेटली 1 यूरो 50 सेंट्स का और यहाँ पे ये है 99 सेंट्स की, तो विच इज़ ऐसे गुड डिफरेंस। एंड एनीवेज जब आप वैसे भी ट्रैवल कर रहे हो तो प्रेफर करो कि आप सुपरमार्केट से बाय करो, क्योंकि अगर आप ये कहीं और से बाय करते हो लाइक नॉर्मल स्नैक कॉर्नर से वहाँ पे आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगी। फाइनली काफ़ी शॉपिंग हो चुकी है एज यू कैन सी, अभी इसको वी आर गोइंग टू पुट दिस स्टफ एंड मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊं तो यहाँ पे जो हमने ऑब्जर्व किया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो थे कुछ आइटम्स नीदरलैंड से ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, काफ़ी आइटम्स वहाँ से कम एक्सपेंसिव थी, बट इन टर्म्स ऑफ जितनी भी पैक्ड आइटम्स थी वो डेफिनेटली काफ़ी सस्ती थी यहाँ पे। सो हम दोनों के एक्सपीरियंस से जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, जो भी आपकी सुपरमार्केट्स में जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ जर्मनी में वो काफ़ी सस्ती इन कंपेरिजन टू नीदरलैंड्स। And I hope आपको ये वीडियो देख के कुछ नया देखने को मिला होगा। In case you want to check out other videos जिसमें हमने सब्जी मंडी कवर की थी, जिसमें हमने नीदरलैंड की सुपरमार्केट कवर की थी, वो सब हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है। So for now, bye bye and take care. See you next time.